आपके हिसाब से पीएम कौन बनना चाहिए 24 में? पीएम कौन बनना चाहिए? ये क्या बताएंगे? अभी अपनी आए हैं, अभी जनता चुनेगी। प्रधानमंत्री है? नहीं नहीं नहीं, ये प्रधानमंत्री है, जनता नहीं है। जिसमें जो जो 250 सीटें लेके जाएगा वो पीएम बनेगा। क्यों नाम लूं मैं, क्यों नाम लूं? और यहाँ पे बड़ा नीतीश पीएम, नीतीश पीएम, नीतीश पीएम, उन्होंने एक बार भी ऑन रिकॉर्ड नहीं बोला कि मैं पीएम हूँ। मोदी जी ने ही बोला है ऑन रिकॉर्ड कि ये पीएम, पीएम, ये जो ताली पीट रहे प्रशांत किशोर, एक मिनट, जो प्रशांत किशोर है, प्रशांत किशोर का नाम किसने लिया? पीएम बनेगा वो तो आरजेडी और जेडीयू वाले कह रहे हैं। सुनिए, पलटू राम है, धोबी का कुत्ता बन गए। सुनिए, धोबी का कुत्ता बन गए। बस कहता है अभी इलेक्शन हो जाए, अभी इलेक्शन हो जाए, धोबी को ताली बजा रहे हैं, तेजस्वी रोजगार देगा, मतलब अनपढ़ आदमी रोजगार देगा इस देश को। रामी मालिक है, डिप्टी सीएम है भाई साहब, दे सकते हैं। अरे वो सब चोर है, चारा घोटाले में वो पिकनिक मनाने लालू गए थे क्या? राबड़ी देवी रेलवे मंत्रालय में वहाँ के सचिव उठाए गए, लालू के पीछे सचिव उठाए गए, पीए उठाए गए। भाई ये घोटाला हुआ कहाँ से था? ये जो चोर है, चुरकट, ये पूरे सब चुरकट है। ये लालू चोर, वही मर जाता उसका दम फट रहा था दिल्ली में। ये सब चोर है, कांग्रेसी नेशनल 5000 करोड़ के चोर, चोर, चुरकट, लुटिया चोर, चोर, चारा चोर, 2G 3G 4G कॉमनवेल्थ। ये तो जनता का पा जाए तो चप्पल भी चोरी करे, लेकिन जनता मुंह पे चला देती नहीं। दादा, बड़े भाई, बड़े भाई, बोलिए बोलिए। 2G 4G में भी सुन जा, टू जी का स्कैम आया, क्या वो बरी हुआ या नहीं हुआ? जिसके ऊपर स्कैम आया था, किसके ऊपर आया था? हमें ना राजा बोलेगा, राजा और चलो तुसी का, हाँ वही बोलेगा। वो अंदर आया था, वो अंदर हो गया जी। हाँ जी बाबा जी, बाबा जी वो अंदर हो गया। अच्छा, वो अंदर हो गया, हुआ था अंदर तो हुआ था। अरे पिचदम्बरम बाउंड्री खुद इनसे देखो ना, बाउंड्री खुद के भगाता चुरकट, जैसे गोभी का फूल उखाड़ के भगाता, पूछो ना। आप रिपोर्टर हो, किसकी कैसे हिम्मत हो जाती है कि ऐसे करना? दिस इज ब्लडी, ये तो मूर्खता वाली बात है ना। बोलना तो पूरी अंग्रेजी बोलो, दिस इज ब्लडी अगेंस्ट एथिक्स, बोलो। इट इज बाबूजी, बोलो यार, बोलो बोलते रहो, कर रहे हो, अरे बोल रहे हो, तुझे लॉजिक से गल करो, लॉजिक से सुनोगे? सुने टू जी पहली बात तो ये। अच्छा, आपके पास अगर बोलने के लिए कुछ है तो लॉजिक पर बात की। चलो, 2G पे, 2G 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 2G, जब कोर्ट ने बेल दे दी, क्या कोर्ट से ऊपर है हम? बेल दे दी, इसका क्या मतलब है? निर्दोष ही है ना वो। चलो छोड़ो, 5G में क्या हुआ? बेसिक प्राइस 4.5 लाख करोड़ थी, बेसिक मतलब बेल दे दी, मतलब निर्दोष नहीं है। ये भी राजा की वर्डिंग है आपकी, नहीं है, ये राजा बोल रहा है, वो बकरा बकवास कर रहा है, क्योंकि हकीकत है। तुम्हें पता है तुम्हारे पास डेटा है, वो साला वो तो कह देगा 10 लाख करोड़ का है, 10 लाख 5 लाख, वो तो 10 लाख करोड़ बोल देगा। बेल पे आ गया तो वो बात सच्ची हो गई, निर्दोष तब होता है, बरी होता है। बेल का मतलब है कि आधा कैदी अभी भी है, फंसी बड़ी हो गई है, बरी होगा तब वो फ्री होगा, अभी बरी अभी सिर्फ बेल पे है। अगर वो बरी नहीं होया ना, तो कल्प्रिट भी नहीं है। कल्प्रिट क्यों नहीं है ए राजा? अरे जमानत अगर वो बरी नहीं होया, राहुल गांधी और सोनिया गांधी सब कल्प्रिट है, ये भी बेल पे है, सब फ्री होगा। राहुल गांधी भी कल्प्रिट है, वो भी सब सब। चोरों को जरूरत क्या है? चोरों को जरूरत क्या है? 4G 4G 4G, चोरों को क्या जरूरत है? 2G 4G की बात करी, 4G का, 2G का मैंने बोल दिया स्कैम। हाँ, कल को वो निकल जाएगा तो मैं भी मान लूंगा, हाँ जी कांग्रेस ने स्कैम किया 2G का। कांग्रेस, आप, कोई नहीं है, हम पार्टियों के लिए हैं, पार्टियों के लिए हम नहीं हैं, समझो बात को, यूथ हो तुम, हम चलाएंगे पार्टियां, अपना चिराग पासवान, लालू वो नहीं चलाएंगे, हम जैसे चाहेंगे वैसे कोशिश करो कि पार्टियां चलें। अभी तो पार्टियां जैसे चला रही है, तुम वैसे चल रहे हो। मैं बीजेपी बोल रहा हूँ, ओपिनियन तो दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं हम चला वो चला रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, वोट तो आपने और हमने ही देना है। कह रहा हूँ मैं, अभी आप कह रहे थे कि मैं बनाऊंगा तो बात, सरकार तो युवा ही बनाएंगे और जो यहाँ की वोटर है वही बनाएंगे। जो 250 वोट लेगा, 552 में जितने भी मेजोरिटी लेगा वो पीएम बनेगा। वही मायका लाल हिंदुस्तान में पैदा नहीं लिया है कि 2040 तक बीजेपी को कोई हरा दे, वही मायका लाल पैदा नहीं लिया है। मैं 100% बोला, सारे चोर, उचक्का, गुंडा, बदमाश, मैं 100% बोल रहा हूँ, 100% बोलो। पासवान जी का एक स्टैंड था, उन्होंने बोला था मैं मोदी जी का हनुमान जी हूँ,
उनके बगैर पूरी राजनीति बिहार की नहीं होती। तो जरा ये वक्ता लोग बताएं कि उनके सांसद और उनके विधायक कहाँ गए, कौन सी पार्टी खा गई। एक पार्टी थी वीआईपी, सन ऑफ मल्ला, जिसके चार विधायक थे, वो भी गठबंधन में शरीक थे। उनके चारों विधायक कौन सी पार्टी खा गई, तब जाके राजनीति पूरी होगी बिहार की, ये बताया जाए। आपको नहीं लगता भाई साहब खेला हो गया वहाँ पे? कहाँ जा रहे हो, पान फिर खा लेना। कहाँ पे खेला हो गया? बिहार में 2015 में आरजेडी के साथ मिलके लड़ी थी जेडीयू, और 2017 में बीजेपी के साथ चली गई थी। तो आज जो मेरे भाई लोग बोल रहे हैं, क्या उस टाइम जनादेश का अपमान नहीं हुआ था? उस टाइम जनादेश का अपमान नहीं हुआ था 2015 में? अगर 2015 में जनादेश का अपमान नहीं हुआ था तो आज भी नहीं। अगर ये यही कह दे कि 2015 में भी जनादेश का अपमान, तो किसने करा था ये बता दे। गठबंधन किसका था पहले? एनडीए के साथ गठबंधन किसका था? 2015 में किसके साथ लड़ी थी जेडीयू? गठबंधन किसके? 2015 में जेडीयू पहले हुआ है, पहले उनको महागठबंधन में अगर वो गए हैं तो धोखा पहले, ये धोखा, धोखे वाली जो कार्रवाई है, ये एनडीए के साथ पहले धोखा करके वहां जाते हैं, उसके बाद एक धोखा था ना वो भी, अगर गठबंधन तोड़ना। हाँ जी, धोखा था। क्यों? बीजेपी ने कितने लोगों के साथ गठबंधन किया? अकाली मोदी का फेस दिखा के वोट लिया इन्होंने। सच्चाई तो ये है, मोदी के फेस में इनको वोट मिला है। मैं बिहारियों के साथ नहीं बैठता क्या? इसको कोई पूछता भी नहीं था नीतीश को, इतना बुरा हाल करा था, ये पूछ लो। और मोदी की शक्ल दिखाई है, ये मेरे को वोट नहीं दे रहे हो, मोदी को दे रहे हो। आज जीत गया है ना, अगला इलेक्शन करा के देख लो, जितने बंदे पचर पचर कर रहे हैं ना, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी बीजेपी का। दूसरे को भी बीजेपी दूसरे को चांस ही नहीं दोगे आप? सुशील मोदी जी ने एक्सेप्ट करा है कि महाराष्ट्र की पार्टी हमने तोड़ी है। सुशील मोदी जी, न्यूज चल रही है, इसका मतलब यह है कि जिस पार्टी के साथ गठबंधन करो उसे ही तोड़ दो। आज वो पार्टी के साथ सत्ता बनी हुई है महाराष्ट्र के अंदर, बताएं कौन सी पार्टी है, उसके पास क्या निशान है जिसे बना दिया बगैर पार्टी का मुख्यमंत्री? ये भी इतिहास में हिंदुस्तान के पहली दफा हो रहा है। बता के लोकतंत्र में, सुनिए भैया कैमरे में गौर से देखो, इनको ये नहीं पता कि लोकतंत्र में, एक बार पवन भाई, अरे एक बार सुनिए ना, लोकतंत्र में निर्दलीय कैसे जीत जाते हैं इनसे ये पूछो, और निर्दलीयों से ये समर्थन लेके सरकार कैसे बनाते पूछो। निर्दलीय कौन सी पार्टी का होता है ये बताएं, ये बताएं, ये निर्दलीय कौन सी पार्टी का होता है? अरे पहले सुन तो लो यार, बीजेपी ने किसी निर्दलीय का साथ लिया कि नहीं? अरे बीजेपी का निर्दलीय, अरे बीजेपी के साथ लोग निर्दलीय आते हैं। और सुनो, आपके बारे में जब बोलूंगा ना झाड़ू के बारे में, तो इनका मुंह ऐसे हो जाएगा। अब बताओ क्यों? ये रात दिन कहते थे कि राहुल गांधी जी हमें समर्थन दे दो, 49 दिन की सरकार के बाद राहुल गांधी जी हमें समर्थन दे दो, हम तो राहुल गांधी जी के पांव दबा दबा के मर गए। तब इनका राष्ट्रवाद कहां गया भाई? ऐसा देख, मेरे माँ बाप ने और मेरे टीचरों ने जो सिखाया ना, ऐसे ई आ ऊ करना मेरे को भी आता है, आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, ऐसे बात करे तू कर भाई, मैं बात करना नहीं चाहता। तू बोल रहे भाई साहब, दादाजी आप बोलो, आप अपनी बात रखिए। नहीं, मैं ये किरकिल मेरे को नहीं पसंद ना, आप कर लो भाई साहब। जब भाई साहब फिर लालू की पार्टी बुड़वक, जब इनको बढ़िया लगता था, ए बुड़वक, व्हाट डू मीन बाय बुड़वक, ये कह रहे मैं पढ़ा लिखा हूँ। ए महाराज, इतने पढ़े लिखे हैं, लालू कहा बोलता था, चारा चिवड़ा फपड़ा, ये कौन सी बात है? आपने उनकी बात से जवाब, गवर्नमेंट बना दो। 3 साल के अंदर 2013 में एक बयान सुना था, गवर्नमेंट बना दो, 3 साल के अंदर ब्लैक मनी ले आऊंगा। 8 साल हो गया ब्लैक मनी ढूंढ के लाए, ये कहाँ है? एक मिनट इनको कहिए, एक मिनट भाई साहब, ब्लैक मनी निकाल रहे हैं मगर स्विस बैंक की कितनी आई? 15 लाख खाते में आए है। पहले देश की तो निकाले, स्विस बैंक भी की लाएंगे पहले, उसके लिए फिर रोड पे लेटते क्यों हो? फिर आंकड़ा आया जाते हो संसद में, आंकड़ा आया संसद के अंदर, आंकड़ा आया कि ब्लैक मनी डबल हो गई, कैसे? अरे परेशान हो, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, कैसे होगी भाई साहब? थोड़ा बताएंगे, थोड़ा बताइए तो हमें। हम बताएंगे, बताएंगे कैसे हो गई। ये जो स्विस बैंक रट रहे हैं, डिस्कॉम कंपनी कौन है? नहीं नहीं नहीं, डिस्कॉम कंपनी कौन है? जो बिजली लाइट वितरण करती है, जो पावर ग्रिड से लेती है, जो एनटीपीसी बनाती पावर ग्रेडिट वहाँ पे इकट्ठा करती, क्यों? डिस्कॉम कंपनी लेती है पंजाब और दिल्ली। 2.5 लाख करोड़ बकाया, अरे बजाओ ताली।
ढाई लाख करोड़ बकाया भाई, ये फ्री की रेबड़ी क्यों बट रही है? फ्री की रेबड़ी यो है शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री में नहीं आता है, लेकिन चार स्कूलों पर 400 करोड़ प्रचार में खर्च करोगे तो वो भी फ्री की रेबड़ी है, लेकिन अगर सही तरीके से खर्च करोगे वो नहीं है। ढाई लाख करोड़ कौन देगा? ये 35 लाख करोड़ फ्री की रेबड़ी कौन देगा? ये श्रीलंका के तरीके से देश को कंगाल क्यों बनाया जा रहा भाई? ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, हम नहीं पूछ रहे हैं। फ्री की जो रेबड़ी बांट रहे हैं उसके बाद में केजरीवाल को मिर्ची लगती है, कूद जाते हैं भाई। क्यों क्यों?